Indians' idea about law, Indians' idea about society, Indians' view about government, Indians' view about sovereignty, etc., etc. And something more, they charged the objective that Indians have achieved so many things in the field of literature and philosophy and metaphysics, and such type of transcendental things. But they made no any significant contribution in the field of administration, economy, law, justice, administration, etc. Sovereignty. Sovereignty means the supreme power over the state. Sovereignty means the supreme power who rules the state is called sovereignty. There is a long history about the discussion over the idea of sovereignty. S-O-V-E-R-E-I-G-N-T-Y. Sovereignty. What should be the proper place of the supreme power in the state? If you want to run the state smoothly, where should be the place of the supreme power? There is a great discussion about it. So, Indian, British administrators, British missionaries, and British or Western scholars, the way the thought regarding contemporary India was considered responsible to make the mental makeup of contemporary Indian people as far as the views of Bipin Chandra Pal is considered. These are three forces. If these forces were British administrators, British missionaries, or पाश्चात्य विद्वान जिन्होंने भारतवर्ष के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां की, उससे भारत के लोगों का अपने ही बारे में सोचने का दिमाग बदल गया। वो भी उन्हीं की तरह से अपने देश को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को देखने और समझने। और ये जो टीका टिप्पणियां उनके द्वारा हुई कि भारत के लोगों में राज्य के बारे में कोई विचार नहीं था, विधि या कानून के बारे में कोई विचार नहीं था, प्रशासन के क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में उन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया, तो ऐसा कभी नहीं होता कि किसी सभ्यता में समझदार और विद्वान लोगों का पूरी तरह से अकाल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। बड़े से बड़े दूरबीन आने के बावजूद भी किसी भी सभ्यता और सिविलाइजेशन में अच्छे और समझदार लोग कुछ ना कुछ बचे रहे, तो इसकी एक बड़ी रिएक्शन होती है भारतवर्ष में। और वो जो रिएक्शन होती जिनके द्वारा की जाती है, उनको हम लोग ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं या नेशनलिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं। उसमें कई नाम है, आप लोग मान्य तिलक का नाम उसमें ले सकते हैं, आप उसमें बिपिन चंद्र पाल का भी नाम ले सकते हैं, आप उसमें पूर्णेंदु नारायण सिंह का नाम ले सकते हैं, आप उसमें यूएन घोषाल का नाम ले सकते हैं, आप उसमें ए सालतेकर का नाम ले सकते हैं, आप उसमें केपी जायसवाल का नाम ले सकते हैं। दीज आर द स्कॉलर्स हु ट्राई टू रिप्लाई अगेंस्ट द चार्जेस फ्रेम्ड बाय द ब्रिटिश स्कॉलर्स। लोकमान्य तिलक, पूर्णेंदु नारायण सिंह, ए सालतेकर, केपी जायसवाल, यूएन घोषाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन लोगों ने यह बताने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, भारत में लॉ के फील्ड में, भारत में स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेकर के, इकोनॉमी के सवालों को लेकर के पर्याप्त चिंतन हो। उन्नीस सौ छह के आसपास यही मैसूर के एक वृद्ध ब्राह्मण ने
कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप लोगों ने सुना होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक मैन्युस्क्रिप्ट मैसूर के पुस्तकालयाध्यक्ष थे डॉक्टर श्याम शास्त्री, लाइब्रेरियन ऑफ मैसूर स्टेट लाइब्रेरी डॉक्टर श्याम शास्त्री। तो किसी पुराने वृद्ध ब्राह्मण ने उनको कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक पांडुलिपि एक मैन्युस्क्रिप्ट दी। श्याम शास्त्री संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निष्णात थे, उसके जानकार थे। श्याम शास्त्री ट्रांसलेटेड दैट मैन्युस्क्रिप्ट हिमसेल्फ इन इंग्लिश। और जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वो ट्रांसलेशन लोगों के बीच में आया, तब ये लोगों का भ्रम टूटा कि भारत में केवल कल्चर और सिविलाइजेशन और केवल मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी और लिटरेचर इन्हीं फील्ड्स में काम नहीं हुआ, बल्कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस इन चीजों के क्षेत्र में भी, इन फील्ड्स में भी बहुत काम हुआ। और भारतीयों की अपनी एक पूरी की पूरी परंपरा थी अपनी सोसाइटी को, अपनी इकोनॉमी को, अपनी पॉलिटी को गवर्न करने। They have developed a very wide range mechanism to govern their society, their economy, and their polity. Simultaneously with their metaphysics and their philosophy and their literature. ये 1906 के बाद लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू किया। ये लगभग अभी 100 साल पहले की बात। इस तरीके से एक जो ओरिएंटलिस्ट स्कूल आया, एक जो नेशनलिस्ट स्कूल आया, उन लोगों ने भारत के ऊपर जो आक्षेप किए गए कि भारत के लोगों में राष्ट्र के बारे में, विधि निर्माण के बारे में या प्रशासन के बारे में किसी प्रकार की कोई चेतना नहीं थी, उसका इन लोगों ने प्रतिवाद किया। इन लोगों ने भी बताने की कोशिश की कि नहीं, भारत में भी डेमोक्रेसी रही है, भारत में भी हिस्टोरियोग्राफी रही है, इतिहास लेखन रहा है, भारत का भी अपना एक विज्ञान रहा है। इस प्रकार के जवाब इन लोगों ने उनको देने की कोशिश की। एक तो विपिन चंद्र पाल ने जो तीन कैटेगरीज बताई कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, ब्रिटिश मिशनरीज और वेस्टर्न स्कॉलर्स, उन्होंने जिस तरीके से भारत को इंटरप्रेट किया उसका कंटेम्प्ररी भारत के माइंडसेट पर बड़ा असर। लेकिन उनका जो जवाब दिया गया नेशनलिस्ट की तरफ से, जो हमने अभी आपको नाम बताया, उस जवाब का भी भारत के लोगों के दिमाग पर असर पड़ा और अभी तक वो असर विद्यमान है। ये वो समय था जब भारत में भी यूनिवर्सिटीज बनने लगी थी। वो यूनिवर्सिटीज यूरोपियन यूनिवर्सिटीज की कॉपी थी, अंग्रेज यूनिवर्सिटियों को बनाने वाले थे। और इन यूनिवर्सिटियों में जो सब्जेक्ट सब जिस तरीके से पढ़ाए जा रहे थे, उसका भी असर भारत के लोगों पर पड़ा। इसलिए माना जाता है कि दूसरी कैटेगरी है वो कैटेगरी है जिसमें हमारे सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट समाज के बारे में जो नए नए विचार आ रहे थे, मनुष्य के जीवन के विकास के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में जो नए नए विचार आ रहे थे यूरोप से, उन विचारों का प्रभाव भी भारतीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से इंडियन स्कॉलर्स के ऊपर पड़ा। कंटेम्पररी इंडियन यूनिवर्सिटीज वर क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉपी ऑफ ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज। दे ऑल्सो इमिटेटेड द स्ट्रक्चर ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, दे ऑल्सो इमिटेटेड द सिलेबी ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, and therefore the prevailing idea about the society and about the evolution of man, they also impacted very deeply contemporary Indian scholarship. उस समय के जो भारतीय विश्वविद्यालयों में लोगों ने पढ़ाना शुरू किया उनके mental configuration को, ये जो यूरोप के विश्वविद्यालयों से जो चीजें आ रही थी उन्होंने भी प्रभावित किया। अभी भी जो हम लोग समाजशास्त्र,
मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी इत्यादि पढ़ते हैं, सारी जो रिसर्च इंडियन यूनिवर्सिटीज में हो रही है, सारी चीजें जो आपको सोशल साइंसेस में पढ़ाई जा रही है, वो सब कुछ अभी भी आप देखेंगे इसी दृष्टि से प्रभावित। आपकी आज की जो दृष्टि है उसको बनाने में जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनका भी असर है, क्योंकि जो आपके टीचर्स हैं वो इंडियन यूनिवर्सिटीज से ही पढ़कर के आए, उनके विचारों में भी आपको उस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप जानते हैं 1917 द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टू प्लेस इन रशिया, जिसे आप लोग मार्क्सियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, मार्क्स के विचारों के आधार पर उसमें क्रांति होती है, रिवॉल्यूशन होती है, और वो रिवॉल्यूशन ये थी कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट है वो मजदूरों का या जो लेबर क्लास है उसको एक्सप्लॉइट करता, इसलिए उस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करके उसको समाप्त करके हमें क्लासलेस सोसाइटी, एक इक्वेलिटी बेस्ड सोसाइटी बनाएंगे। इस आदर्श के आधार पर रूस में एक रिवोल्यूशन, इसको मार्क्सियन रिवोल्यूशन कहा। 70 साल तक रूस ने वो प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास न सफल होना था न सफल हुआ, उसकी लंबी अलग कहानी है, उसके विस्तार में हम नहीं जाते। लेकिन रूस में ये जो क्रांति हुई ये मान करके कि समाज में हमेशा से एक ऐसी क्लास रही है जो दूसरे को एक्सप्लॉइट करती रही है और एक ऐसी क्लास रही है जो एक्सप्लॉइट होती रही है, इस प्रेमाइस के बेसिस पर जो सोवियत रूस में जो रिवोल्यूशन हुई, जो क्रांति हुई, उस क्रांति की जो प्रेरणा है, उस क्रांति का जो असर है वो भी भारत के ऊपर पड़ा और इंडियन स्कॉलर्स के ऊपर भी पड़ा, विशेष रूप से जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे उनके ऊपर भी पड़ा। आप जानते हैं कि जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट था, उस फ्रीडम मूवमेंट में 3 तरीके के स्कॉलर सामने आए। एक वो स्कॉलर्स थे जो ये मानते थे कि जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है वो एक बूंद की तरह है, उसको वेलकम किया जाना चाहिए, उसके माध्यम से जो साइंस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, मैकेनाइजेशन के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो नई नई चीजें आ रही हैं उनको वेलकम करना चाहिए, एक नए प्रकार की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हमको डेवलप करना चाहिए, एक नए प्रकार के लीगल सिस्टम को हमको डेवलप करना चाहिए, और वो इसको वेलकम कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम लोगों को अपने आप को इस प्रकार के सिस्टम के अनुरूप डेवलप करना है, क्वालिफाई करना। लेकिन एक ऐसा विक्रम था जो मानता था कि नहीं, किसी भी देश का डेवलपमेंट उसकी अपने ट्रेडिशन की बुनियाद पर होना चाहिए, उसके अपने कल्चरल, अपने सिविलाइजेशनल रिफॉर्म्स की बेसिस पर होना चाहिए। लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो वो लोग थे जो मानते थे कि किसी भी देश की जो स्ट्रक्चर है वो अपनी परंपरा, अपनी ट्रेडिशन की बुनियाद पर होनी चाहिए। और तीसरा एक वर्ग था जो रिवोल्यूशनरीज का, वो रिवोल्यूशनरीज सबसे पहले अपने रिवोल्यूशनरी उपायों के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत का जो डर था, जो भय था भारतीयों में, उन्होंने उस भय और डर को हमारे मन से समाप्त किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनसे संघर्ष करने की आवश्यकता है, और उन्होंने ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशनरी उपाय अपनाए जिसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज के नाम सुने होंगे, वो चाहे खुदीराम बोस हो, वो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, वासुदेव बलवंत फड़के हो, एक पूरी की पूरी रेंज है। और उनकी प्रेरणा का प्रभाव यह पड़ा कि पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कहीं जनजातियों के विद्रोह, कहीं किसानों के विद्रोह, उनको उस समय विद्रोह कहा जाता, लेकिन वस्तुतः अंग्रेजों के खिलाफ इस तरीके के छोटे मोटे संघर्ष पूरे देश में व्याप्त हो गए। और अंग्रेजी हुकूमत को लेकर के जो हमारे मन में एक डर था, एक भय था, उस भय को इन क्रांतिकारियों ने समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे वो जो रूस की क्रांति हुई, जिसकी तरफ हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, उसने हमारे कई विचारकों को भी और हमारे क्रांतिकारियों को भी उस रूसी या मार्क्सवादी विचार की तरफ मोल्ड कर दिया।
भगत सिंह बहुत बहादुर थे, लेकिन उनके विचार आप देखिए वो बिल्कुल कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। वो नास्तिक है, वो कहते हैं कि मैं नास्तिक हूं। और क्यों नास्तिक? उनका उस तरीके से भारत की परंपरा में कोई विश्वास नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जो क्रांतिकारी भारत की आजादी के लिए मानते हैं कि आवश्यक कि हमें अंग्रेजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनके खिलाफ हमको सशस्त्र क्रांति करनी होगी। लेकिन उनके विचारों में आप देखेंगे रूस की क्रांति उसका प्रभाव आता है। तो हमारे विचारों को बनाने में रूस की जो मार्क्सवादी विचारधारा है क्रांति है उसका भी असर है, और वो असर आज तक है, जिसे आप लोग कहते हैं कि लेफ्टिस्ट। कई हमारे जो आप लोगों के यहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो वो आगे यूनिवर्सिटीज में गए तो उन्होंने कहा कि वहां पर सब लेफ्टिस्ट टीचर, लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन जो है उसी मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन से कहते हैं, और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर सीख के गए उसके बिल्कुल खिलाफ वो बात करते हैं। हम लोग नवरात्र में जब देवी की पूजा करते हैं तो उस समय वो महिषासुर महोत्सव मनाते हैं। हम कहते हैं कि गाय हमारे लिए पवित्र है तो वो गोमांस भक्षण की पार्टियां करते हैं। इसी देश में हो रहा है, और इसी देश का जो सबसे तथाकथित गौरवशाली विश्वविद्यालय माना जाता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय से ये सब चीजें आरंभ होती है, जहां जाने के लिए जहां पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं। ये हमारी मनस्थिति और ये हमारी दुविधा हो चुकी है। तो वो जो मार्क्सवादी विचार आया, वो मार्क्सवादी विचार आप कह सकते हैं एक चौथे प्रकार का विचार है जो हमारी मानसिकता को, हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। पहला ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, ब्रिटिश मिशनरीज, यूरोपियन स्कॉलर्स, दूसरा द नेशनलिस्ट थिंकर्स, तीसरा द सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स, एंड चौथा द मार्क्सिज्म, और पांचवा जो क्लास है वो इंडियन ट्रेडिशनलिस्ट स्कॉलर्स का। ऐसे भी कुछ स्कॉलर्स हुए पूरी 20th सेंचुरी में, आप देखेंगे इवन ड्यूरिंग योर फ्रीडम मूवमेंट, जब ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी, भारत को यूरोप की नजरों से देखने का प्रयास चल रहा था, अपने धर्म अपनी परंपरा को यूरोप की दृष्टि से परिभाषित करने का प्रयास चल रहा था, मार्क्सवाद का प्रभाव था, उसी के साथ साथ इस देश में गांधी के पहले से एक ऐसी धारा चल रही थी जो केवल इस पर नहीं विचार कर रही थी कि इस देश को कैसे स्वतंत्र होना है, बल्कि इस पर भी विचार कर रही थी कि स्वतंत्र होने के बाद इस देश की दिशा क्या होनी चाहिए, किस दिशा में इस देश को जाना है। उसमें आप गांधी का नाम ले सकते हैं, और गांधी को समझने में जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है वो उनके हिंद स्वराज, गांधी पर हम लोग अलग से एक सेशन करेंगे क्योंकि गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जिस तरीके का कोर्स करिकुलम पढ़ने के अभ्यस्त हैं, या आप लोगों के अलावा भी जो मेनस्ट्रीम एजुकेशन जिसको कहा जाता है उसमें जिस तरीके का कोर्स करिकुलम पढ़ाया जाता है, उससे अलग हट करके या उससे एक वाइडर सिग्निफिकेंस भी गांधी की है जिस संदर्भ में, जिस कॉन्टेक्स्ट में गांधी को समझने की जरूरत है। वो केवल देश के विभाजन में गांधी की क्या भूमिका रही, या गांधी वर्सेस पटेल, या गांधी वर्सेस नेहरू, या गांधी वर्सेस सावरकर, ये केवल डायलेमास में या बाइनरीज में या केवल हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स के रूप में गांधी को देखने की आवश्यकता नहीं है। गांधी की अपनी कुछ वाइडर सिग्निफिकेंस भी है, उस पर हम लोग विस्तार से आएंगे। गांधी के ऊपर भी बहुत काम हुआ, गांधी के बारे में भी बहुत लिखा गया, और गांधी जी ने भी जो कुछ चीजें लिखी हैं उनको आप लोगों को देखना चाहिए। गांधी ने अपनी किताब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उससे आप लोग परिचित होंगे, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, ये उनकी दो किताबें हैं। लेकिन जो उनकी सबसे खास किताब है, जो उनका मैग्नम ओपस है गांधी का, वो उनका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वॉज रिटन बाई गांधी व्हेन ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका, and he wrote this book
in 10 days on a ship which was named as Credonant Castle. He was traveling from England to South Africa on a ship Credonant Castle, and during this voyage he wrote this book in 10 days. और गांधी इस किताब को लिखने के लिए इतने ज्यादा उद्वेलित थे, यू आर सो एक्साइटेड टू राइट दिस बुक, कि जब उनका दाहिना हाथ थक जाता था वो बाएं हाथ से लिखने लगते थे। गांधी वाज यूज्ड टू राइट बाय बोथ हैंड्स, दाहिने हाथ से भी लिखते थे बाएं हाथ से भी लिखते थे। फ्रॉम द सेम शिप ही रोट लेटर टू हिज कंटेंपररी लियो टॉलस्टॉय। This Hind Swaraj was originally written in Gujarati and it was translated in English by himself Gandhi. First of all, it was published in the form of a series in Indian Opinion and then it came in the form of a booklet. If you want to go through Hind Swaraj, you may start in the very morning and you may finish it in the evening. It is so small a book. It is written in dialogue form, a reader and editor. हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, आप देखेंगे, एक तो वो पद्य शैली में लिखे गए, काव्य शैली में लिखे गए। गद्य लिखने की हमारे यहाँ कोई बहुत परंपरा नहीं है। काव्य शैली में आप कम से कम शब्दों में आप अपना काम चला सकते हैं। और दूसरा, वो सारे ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए, डायलॉग। Diamonds too, and logs come from logos, that is wisdom. Jahan do log, where two people are making conversation with each other with an aim to get the knowledge about something, that is called dialogue, samvad shaili. Raja Parikshit ne pucha, Sut ji ne kaha, Yudhishthir ne pucha, संजय ने कहा, संजय उवाच, श्री भगवान उवाच, मार्कंडेय ऋषि उवाच, सारे पुराण, वाल्मीकि रामायण, रामचरित मानस, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, ये सभी संवाद शैली में, डायलॉग फॉर्म। गांधी ने भी उसी डायलॉग फॉर्म को फॉलो किया। एक रीडर एक एडिटर से कुछ सवाल पूछता है कॉन्टेम्पररी सिविलाइजेशन इश्यूज के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, जो इंग्लैंड से कॉन्सेप्ट आ रहा था, उनका जो नया लीगल सिस्टम आ रहा था, साइंस और मैकेनाइजेशन के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में, रेल के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में जो नए नए आइडियाज आ रहे थे और लोग उससे बहुत प्रभावित हो रहे थे कि अंग्रेजों ने हमको एक नए प्रकार की सभ्यता दी, हमको उन्होंने सिविलाइज बनाया, और वो कहते भी थे कि हम एक सिविलाइजिंग मिशन पर आए, आपको सभ्य बनाने आए। इस पूरे कन्वर्सेशन की, इस पूरी जो ये नरेशन है, इसका एक क्रॉस एग्जामिनेशन गांधी अपने हिंद स्वराज में करते हैं। लिहाजा आपको हिंद स्वराज हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है, आपको हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। दूसरे विचारक उसमें स्वामी विवेकानंद हैं। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे फंडामेंटल सवाल उठाए और वो सवाल अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। जो आजकल आप लोग तमाम बाइनरीज में सोचते हैं ना, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ईस्ट एंड वेस्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म, मैटर एंड माइंड, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये जो बाइनरीज हैं जिनमें आप सोचते हैं, इस प्रकार के सवाल विवेकानंद ने एक साथ उठाए। इन बाइनरीज को आप कैसे हैंडल करें, स्पिरिचुअलिटी और मेटरिज्म के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, मैटर और माइंड के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये कुछ बड़े सिग्निफिकेंट सवाल हैं। And these questions are still unresolved. ये बड़े निर्णायक, बड़े डिसाइसिव सवाल हैं
आगे अगर चल करके आप लोग पढ़ाई करेंगे तो उसमें ये सवाल इनके साथ आपका वास्ता पड़ेगा, इनके साथ आपको जूझना पड़ेगा। इसलिए विवेकानंद के भी अपनी सिग्निफिकेंस, विवेकानंद का जो कंप्लीट वर्क है वो रामकृष्ण मिशन ने 10 वॉल्यूम में पब्लिश किया है। विवेकानंद समग्र के नाम से आप लोग रामकृष्ण मिशन के इस पब्लिकेशन को देख सकते हैं। जिस साल गांधी की हिंद स्वराज लिखी गई 1909 में, उसी साल एक किताब आती है एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म। दिस बुक वाज रिटन बाय एके कुमार स्वामी, आनंद कैंकिश कुमार स्वामी इज नॉट वेल नोन पर्सन फॉर कंटेम्पररी इंडियन स्कॉलर्स, बट द वर्क्स एंड थॉट्स ऑफ आनंद कुमार स्वामी आर वेरी रेलिवेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट। एके कुमार स्वामी COOMARA SWAMY कुमार स्वामी, एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म। And in the very preface of this book, Anand Kumar Swami highlights that nations are made not by traders and politicians. Traders and politicians do not make a nation, but by poets and artists. राष्ट्रों का निर्माण व्यापारियों और राजनीतिज्ञों से नहीं होता, बल्कि वो कलाधर्मियों से होता है, शास्त्रज्ञों से होता है। राष्ट्र के निर्माण का आधार शास्त्र है, राष्ट्र के निर्माण का आधार राजनीति और व्यापार नहीं है। ये बात उन्होंने उसके प्रीफेस में लिखी। और कैसे कैसे इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन का डी जनरेशन होता है, उस डी जनरेशन के परिणाम क्या होते हैं और दोबारा से उसको कैसे रीजनरेट करने की जरूरत है, ये बात उस पूरी किताब में आनंद कुमार स्वामी ने लिखी है। उनकी और भी किताबें हैं और भी रचनाएं हैं। हम लोग आनंद कुमार स्वामी पर एक अलग व्याख्यान लेंगे, उसमें आप लोगों के उनके विचारों से उनकी किताबों से अलग से परिचित कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों की स्टेज पर इन लोगों का नाम और इनकी किताबों के नाम कम से कम जान लेना चाहिए। हम लोगों ने जिन टीचर से पढ़ा और जिनसे हम लोग प्रभावित हुए, जिनसे हम लोग इंस्पायर हुए, टीचर्स हु इंस्पायर्ड अस टू गो थ्रू दीज स्कॉलर्स एंड राइटर्स, वन ऑफ देम वेरी प्रोमिनेंट प्रोफेसर एके सरन टोल्ड अस दैट ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड विद द नेम ऑफ आनंद कुमार स्वामी व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। जब वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे उस समय वो आनंद कुमार स्वामी के नाम और उनकी किताबों से परिचित हो चुके थे। तो ये आपको ये ना समझिए कि कोई अभी आप लोगों की एज बहुत कम है, आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें जो इनसिग्निफिकेंट है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनइम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में आप लोगों के पास बहुत जानकारी रहती है। क्रिकेट के बारे में आपकी बहुत एक्सपेंसिव जानकारी है, फिल्मों के बारे में आपके पास बहुत जानकारी है, टेक्नोलॉजी के बारे में आपके पास बहुत जानकारी है, कंप्यूटर और मोबाइल के यूज और मिसयूज के बारे में आपको बहुत जानकारी है, डिफरेंट जो मॉडल्स आ रहे हैं कारों के, व्हीकल्स के, उन मॉडल्स के बारे में, उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बहुत जानकारी है। लेकिन इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं। कभी आप अपने घर में डिस्कशन करते हैं कि कौन सी नई किताब आई है, कभी आप लोग न्यूज़पेपर्स में किसी नई किताब का कोई रिव्यू पढ़ते हैं। अगर आपको किसी एकेडमिक काम में, किसी अच्छे काम में एक विचारशील व्यक्ति के रूप में अगर आपको अपने आप को विकसित करना है, कुछ वर डिजायरस टू मेक योरसेल्फ डेवलप इन द फॉर्म ऑफ एन एनलाइटेंड पर्सन, now it is the best time to be introduced with such names and works. They remained a great scholar in medieval Christian periods, St. Thomas Aquinas. He told
a very significant thing which is very relevant for you. Write down this statement by St. Thomas of Aquinas. Aquinas, A-Q-U-I-N-A-S. One St. Thomas writes, It is much and more desirable and comfortable to have a little knowledge about higher things than a wide knowledge about lower things. It is much and more desirable and comfortable to have a little knowledge about higher things than a wide knowledge about lower things. St. Thomas of Aquinas says that उच्च स्तरीय चीजों के बारे में, higher things के बारे में, बड़े writers के बारे में, बड़े scholars के बारे में, बड़ी किताबों के बारे में, बड़े विचारों के बारे में आपके पास थोड़ा ज्ञान हो, ये ज्यादा जरूरी और ज्यादा सुविधाजनक है। It is much and more desirable as well as comfortable to have a little knowledge about higher things than wide knowledge about lower things. वजह इसके कि तमाम घटिया चीजों के बारे में, तमाम घटिया लोगों के बारे में आपके पास बहुत व्यापक जानकारी है। क्रिकेट के बारे में, ये सिनेमा के बारे में, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, ये मोबाइल के यूज और मिसयूज के बारे में, ये व्हीकल्स और उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, फैशन के बारे में, इन तमाम चीजों के बारे में आपके पास अगर बहुत व्यापक जानकारी है, उससे बेहतर है कि आप थोड़ी ही जानकारी कुछ हायर चीजों के बारे में। तो कोई आप उम्र इतनी कम नहीं है, बहुत सारी वाहियात किस्म की जानकारियों से आपका दिमाग भरा हुआ है, उनको थोड़ा खाली करिए और थोड़ा ऐसी चीजों के बारे में भी जानकारियां रखने की कोशिश करिए। तो कभी मौका मिले जीवन में तो कुमार स्वामी वगैरह इन किताबों को देखिएगा, पढ़िएगा। कुमार स्वामी के साथ साथ एक और नाम है जिन्होंने इस प्रकार के प्रश्न पर विचार किया।